तो ये है दोस्ती प्लैनेट नॉर्थ। इसी में बेसिकली जो है 25th फ्लोर पे हमारे अजीज दोस्त डॉक्टर असफर खान रहते हैं, जिनके घर पे हम लोग अभी जा रहे हैं। ये बन रहा है हमारा गरम गरम शवारमा, देख लीजिए। असफर सर आप ही के लिए ला रहे हैं हम लोग साहिबान से खबूस में। एकदम जूसी और रसीला, ज़्यादा एक्स्ट्रा मेयोनेज़ वाला है हमारा शवारमा। वाओ, इसका लुक बहुत ज़बरदस्त है और सिर्फ 60 रुपीज़ में। ये अभी हम लोग बैठे हुए हैं असफर सर के पास मैच देखने के लिए इंडिया पाकिस्तान का, और ये मार्वल के फ़ैन। यहाँ पर अभी शुरुआत बिस्किट से हुई है, अब देखिए आगे क्या क्या खाते हैं, पता नहीं सब कुछ मिक्स होने वाला है आज पेट में। तो शुरुआत हमारी हो रही है शवारमे से। यहाँ पे बैठे हुए हमारे दोस्त लोग, वैसे शुरुआत तो हो चुकी है ऑलरेडी, हम लोग ने बिस्किट खा लिया सर के घर पे आके। अभी बस ये शवारमा ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। साहिबान का जो ये शवारमा है टेस्टी है, एंड 60 रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी भी है। ओके, मतलब बहुत, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि एकदम एक्सलेंट है, लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत ही टेस्टी है। हम लोग यहाँ पर किचन की तरफ आ चुके हैं, एंड अभी रक्षित सर बेसिकली ये लेके आए हैं ब्रेड का। सर क्या लेके आए हैं आप? अच्छा, गार्लिक ब्रेड आपकी सिस ने जो बनाया था, आपकी सिस्टर ने, तो आप वो लेके आए हैं। हम इसके ऊपर बस चीज़ डाल के इसको थोड़ा बेक करना है ओवन में। ओह, गार्लिक ब्रेड यार दिखने में मस्त लग रहा है एकदम। चलिए ठीक है, अब इसके ऊपर बस जो है, मतलब आपने जो आपके जो सिस्टर ने ये भेजा है ना, मतलब थैंक यू सिस्टर, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया हम लोग भूखे लोगों के लिए। यहाँ पे आपने बहुत अच्छी चीज़ भेज दी है। तो यहाँ पर जो है हम तीन चार मुश्तंडे जो है नौजवान लोग बेसिकली इस छोटी सी अबला ब्रेड के ऊपर थोड़ा अत्याचार करने जा रहे हैं। अभी इस पे अमूल की जो चीज़ डालने जा रहे हैं, फिर इसको इस प्यारे से ओवन में बेक किया जाएगा। तो ये हमारी नाजुक सी कलियाँ आ चुकी हैं जिनका नाम है अमूल चीज़, एंड ये थोड़ा सा ओपन किया है हमने, तो थोड़ा अलग से ट्राई कर रहे हैं। चलिए अब्दुल रशीद सर। सो नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ग्रेट होता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ही इज़ एन एमेच्योर, बेसिकली नया नया अभी नौ सीखे हैं हम लोग। तो हाँ, कीजिए ना इसको थोड़ा सा ग्रेट, ऐसे ही करते हैं। हाँ सही है, हाँ बिल्कुल, आप तो प्रो हो गए एकदम एक ही बार में। बहुत सही। यहाँ पर जो है हमारा सब चीज़ें निकल रही हैं, दूध वूध आ रहा है चाय वाय के लिए। अरे कोई बात नहीं ना, डबल मंगा लिए कोई बात नहीं, रख लेंगे उसमें क्या। तो ये जो है हमारी चीज़ भी सब ग्रेट हो रही है अच्छी तरीके से। वैसे गार्लिक ब्रेड में लोग कुछ बाहर भी कभी कभार जो है ग्रेट करके डालते हैं, कोई कोई लोग अंदर भी डालते हैं, तो हमने अंदर वाला ट्राई किया। बिकॉज अंदर डालने से क्या होगा कि थोड़ा सा जब उसको बेक कर देंगे तो थोड़ा सा क्या, चीज़ एकदम बाहर ऊज करके जो निकलेगी ना, उसको हम पीस उठाएंगे तब, तो उसका लुक भी अलग होता है, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी को कुछ भी पता नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। यही हम आदमी लोगों की मतलब आदत होती है, हमें पता कुछ भी नहीं होता है। और बेसिकली हम फिर अपनी वाइफ से पूछते हैं कि चीज़ कहाँ रखी थी तुमने, ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, कुछ मिल नहीं रहा है। वो कहती है वहीं तो रखी थी। और वो वहीं जो है बेसिकली आपके घर में भी हो सकता है, किचन में भी हो सकता है, बेडरूम में भी हो सकता है, और मार्स में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब वो वहीं का मतलब कुछ पता नहीं है, वो वहीं का क्या मतलब होता है वो पता नहीं है, वो वाइफ ही ढूंढ के निकाल सकती है, आप नहीं ढूंढ सकते। तो इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस जस्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इंडिया में मसालों की कोई कमी नहीं। देखिए भाभी जी ने मसाले भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखे हुए हैं, बहुत सारे तरीके के। तो अभी जो ये है बेसिकली पहले से ये ब्रेड जो थी हमारे जो रशीद सर के सिस हैं उन्होंने हाफ बेक कर दी थी, अब इसको बस खाली 3 मिनट के लिए बेक करना है। तो बेसिकली वही ट्राई कर रहे हैं। आई गॉट शिट यार, क्या चल रहा है ये, मतलब क्या स्कोर है ये। ज़िंदगी में पहली बार मैं मैच देख रहा हूँ, उसमें ये मुझे देखना पड़ रहा है कैसे कैसे दिन आ गए मेरे, क्या क्या देखना पड़ रहा है, क्यों इतनी दुख वाली चीज़ देखनी पड़ रही है। एक विकेट एक रन पे चली गई, केएल राहुल आउट हो गए यार, शिट। चले कोई बात नहीं, अपनी टीम को हमेशा चेयर करना चाहिए, एकाध बार तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर अभी जो है हम लोग बेसिकली असफर सर का वेट चेक कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में थोड़ी शर्त लगी हुई है। अच्छा 99.7 यानी कि अप्रॉक्स 100 मान सकते हैं, तो अप्रॉक्स 100 जो है बेसिकली इनका वेट है। आज तारीख जो हो रही है वो हो रही है 27th ऑफ अगस्त, अब नहीं 28th ऑफ अगस्त, राइट 28 अगस्त। तो देखते हैं अभी 3 महीने के बाद बेसिकली कितना हो जाता है इनका वेट। तो ये आए हमारे दूसरे महारथी सर, इनका नाम है अब्दुल रशीद,
तो बेसिकली 28 अगस्त 2022 को इनका जो वेट है 99 kg एग्जैक्ट है, ठीक है। तो ये नोट कर लिया गया है, अब आगे जाके देखेंगे कि ये 3 महीने में कुछ कम करते हैं कि नहीं। हम तीनों की शर्त लगी हुई है कि बेसिकली जो भी सबसे ज़्यादा जल्दी वेट कम करेगा, मतलब अपने अपने वेट के हिसाब से, तो बाकी लोग सब मिलके उसको पार्टी देंगे, वो कभी भी पार्टी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये आ गए हमारे थर्ड सर जिनका नाम है शमशुर रब। तो 77.6 है इनका वेट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 78 kg मान सकते हैं। देखते हैं, अरे इनको तो बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ फिट है, यस यस। तो ये निकली हमारी, ओहो हो, गरम गरम है सर, संभालिए, मुझे भी डरा दिया आपने। आराम से सर, आराम से। अच्छा वापस डालेंगे क्या अंदर? नहीं नहीं, हुआ इतना ज़्यादा गर्म है ना, वापस जाइए, वापस जाइए। यही होता है, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, जो साइंटिफिक मेथड है, बेसिकली वन ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स है। सो ट्रायल एंड एरर, तो फिर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं शायद इस बार पूरी तरीके से बन जाए। चलिए अब ये देखिए, मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने। तो बेसिकली मैं इसके ऊपर खड़ा हो रहा हूँ, मेरा नाम है रेमो, जैसे कि आप लोग जानते हैं। मेरा वज़न कितना है? ओ माय गॉड, 126.8। 3 महीने में इसे मुझे 30 किलो कम करना है। लेट्स सी कि 100 kg में जा पाता हूँ कि नहीं। सो लेट्स एक्सेप्ट द चैलेंज। तो ये जो है मंचूरियन सूप, बेसिकली हम लोग इसको अभी जस्ट गर्म करना हमने स्टार्ट किया, बहुत ही स्टाइलिश सा 9 बजे ये। तो ये हमारा मंचूरियन सूप गर्म हो रहा है। बेसिकली ये जो है आपका OTG है, जिसे हम कहते हैं ओवन टोस्टर ग्रिल। तो एक तरीके का तंदूर है ये, मॉडर्न ज़माने का। तो ये हमारा सूप एकदम हॉट सर्व करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है। काफ़ी ज़्यादा खून पसीना लगा है इसमें हमारे रशीद सर का एंड असफर सर का, तो वैसा टेस्ट भी आना चाहिए। भाप उड़ रही कि नहीं उड़ रही भाई, एकदम प्यार से। हाँ लग तो रहा है वैसे, इसमें यार कैमरे में नहीं दिखती, पता नहीं क्यों नहीं भाप। एनीवे हमारी आँखें ज़्यादा अच्छी हैं कैमरे से। ये निकाली जा रही है बेसिकली हमारे टोस्टर में से गार्लिक ब्रेड्स। ऐसा लग रहा है इनका मर्डर हो चुका है, कहीं ओवर बेक्ड तो नहीं हो गई। ट्राई कीजिए, रनर तो आज हमको मिला नहीं, जो रनर होता है ना, जो पिज़्ज़ा काटने वाले लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो अपना जो होता है ना, जो चक्का लगा हुआ होता है, मतलब इनके घूमने वाला काटने वाला। चलिए फिर भी ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, काम चल रहा है अपने देसी चाकू से। अब इस पर थोड़ा सा बटर लगाया जा रहा है। वाह, पता नहीं हम लड़कों ने कुछ भी हरकतें कर, हम जो हो सक रहा है वो कर रहे हैं, बड़ी अजीब और गरीब चीज़ें। जब भी आ रहा है हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं, पढ़ाते अब शेफ़ वाला काम भी हम लोग ने करना स्टार्ट कर दिया है। ये सही तरीका पुल करने का ना, बस ज़्यादा, वरना कल 3-4 घंटे भागना पड़ेगा। तो बेसिकली सब लोग अपना अपना हाथ जो है आजमा रहे हैं कि कौन अच्छी तरीके से इसे काट सकता है। तो फाइनली चलिए चल रहे हैं हम लोग खाने के लिए। आइए भाई, सभी लोग आ चुके हैं अपनी बालकनी के पास, बालकनी की लाइट ऑन करके अब इसमें जा रहे हैं। ये चल के जा रहा है हमारा सूप बालकनी तक। बालकनी में 3 महान लोग बैठे हुए हैं। संभालिए, पहले संभालिए, तो पकड़ पाएंगे टाइट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्पून ला रहा हूँ, स्पून ला रहा हूँ। ये है बेसिकली पूरा एकदम अंदर चीज़ हमारा मेल्ट हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। वाओ मेरा तो मज़ा आ गया, मुझे तो यार बहुत ही जबरदस्त है। ये जो है हमारा सूप अच्छा लग रहा है देख के, तो टेस्ट पता नहीं कैसा है, बट मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा, अब्दुल रशीद सर की चॉइस है तो। ये आ चुका है हमारा बेसिकली क्रिस्पी चिकन क्रिस्पी, जो कि हमने मंगवाया है क्रिस फूड ऐप से। एंड ये जो होटल है, ये बेसिकली नूरानी होटल है, नूरानी, यहाँ से हमने क्रिस्पी मंगाया हुआ है। तो दिखने में तो काफ़ी प्यारा दिख रहा है, पता नहीं टेस्ट कैसा है, खा के पता चलेगा। मंगाए गए थे नूरानी से, आप देख सकते हैं कि हमने उसको 4 पार्ट्स में जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो क्वांटिटी ठीक ठाक ही है, मतलब यानी कि एक क्रिस्पी की क्वांटिटी ओके है। तो दोस्तों, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जितना तेज आप चलेंगे स्पेस में, उतना धीरे आप चलेंगे टाइम में,
इस फेनोमेनन को आइंस्टाइन ने कहा था टाइम डायलेशन इफेक्ट। टाइम डायलेशन इफेक्ट की वजह से जो भी इंसान बहुत ही ज्यादा तेज गति पे होता है उसके लिए वक्त धीमा हो जाता है, यानी कि जो भी कोई उसे देखेगा उसे ऐसा लगेगा कि ये इंसान हर चीज धीरे धीरे कर रहा है। जैसे कि इस वक्त हमें असफर सर को देखने का मौका मिल रहा है, इनका हर काम धीरे हो रहा है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये स्पेस में जा रहे हैं रॉकेट में बहुत ही तेज गति से, और इस वजह से इनका वक्त जो है धीमा हो चुका है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज आइंस्टाइन के मुताबिक जो इंसान के साथ टाइम डायलेशन हो रहा होता है उसे टाइम डायलेशन हो रहा है ये बात का पता ही नहीं चलता है, लेकिन दूसरे देखने वाले समझ सकते हैं कि हो रहा है टाइम डायलेशन। इस इफेक्ट को मैं और भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं अपने फिजिक्स वाले चैनल पे द प्रोफेसर ऑफ साइंस, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो दोस्तों, जब जो बीवियां होती हैं अपने शौहर को उंगली पे नहीं नचा पाती हैं तो वो कुछ घर में ऐसा सामान लगा देती हैं जिससे कि शौहर खुद उंगलियां घुमा घुमा के पूरे किचन में नाचता रहे। जैसे कि आप इस फेवर की चिमनी को देखिए, ये देखिए, देखा आपने मतलब हाथ चलाए बिना उंगलियां घुमाए बिना बेसिकली नहीं चालू होगा, इसमें सेंसर लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी ग्रिल आप देख लीजिए, यहाँ से ये पूरा स्टीम जो है सक करता है, ये देखिए इसमें से स्टीम निकल रही है और इसके अंदर जा रही है बेसिकली। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी है, और ये बंद भी बिल्कुल वैसे ही होता है, ये देखिए। अच्छा, एक कम हुआ है, अब बंद हो जाएगा, कम ऑन, हाँ अब हो गया बिल्कुल परफेक्ट, और थोड़ी प्रैक्टिस लगती है इसके लिए। तो ये गरम गरम चाय बन रही है हमारी, तो फाइनल पूरा दिन जो ख़त्म हो रहा है बेसिकली चाय से हो रहा है।